हेलो दोस्तों, आर यू वर्किंग फॉर मनी? डू यू नो मनी फार्मूला? यस, इफ यू डोंट नो मनी फार्मूला देन यू कैनॉट मेक मोर मनी. प्रोजेक्टेड बाय फैमिली बिजनेस फॉर यू. अगर आप पैसे का फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप पैसे ज़्यादा नहीं अर्न कर सकते हैं. इसके लिए आपको मनी फार्मूला जानना पड़ेगा. अब रहा दोस्त द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी अमीरी का रहस्य. ये अमीरी का रहस्य फैमिली बिजनेस फॉर यू के यहाँ समझाया जाता है. यहाँ आप लर्न कर सकते हैं मनी फार्मूला को. हमारा एक्सपर्ट टीम जो है पूर्ण रूप से तैयार है आपको गाइड करने के लिए. सो दोस्तों, डोंट वरी, आवर एक्सपर्ट गाइड यू इफ यू वांट टू सक्सेस इन लाइफ. दोस्तों 100% ट्रू है, यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. सो कॉल अस, भागो मत, भाग्य को बदलो, क्योंकि वी जस्ट वांट टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सो अगर आप तैयार हैं तो हमारा जीवन का सही आनंद ले, हमारे लाइफ कोचिंग क्लास में दाखिला ले. मात्र 99 रुपीज का कोर्स है, जहां आप अपने सक्सेस के रास्ते को समझ सकते हैं. तो ज़्यादा देर न करें, क्योंकि जितना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से होता है. तो तुरंत अप्लाई करिए, हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मनी फार्मूला का कंसेप्ट को समझाएंगे, अगर आप जितना चाहते हैं तो. हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम राकेश उपाध्याय है. और दोस्त, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इंसान मर जाता है तो वो सोचता नहीं है और बोलता भी नहीं, ये तो आप जानते ही हैं. तो मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जब इंसान मर जाता है तो वो सोचता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है. लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो इस पृथ्वी पे जिंदा है, लेकिन वो सोचते नहीं है अपने भविष्य के बारे में और न ही वो बोलते हैं अपने भविष्य के बारे में. तो इनकी तुलना अगर हम उस मुर्दे इंसान से करें तो क्या फर्क पड़ता है? जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो इंसान है जो सोचते नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में, बोलते नहीं है, वो अपने लाइफ को दो आंखों से देखते हैं. दो आंखों से उनको दिखाई दे रहा है कि मंथ के एंड में उन्हें सैलरी मिल रही है और उस सैलरी से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं और साथ ही साथ सारी लायबिलिटी पूर्ण कर रहे हैं. लेकिन दोस्त, एक तीसरी आंख है जो भगवान ने दिया है. आज आप क्या हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप 4 से 5 साल के बाद क्या बन रहे हो वो सबसे बड़ा फर्क है. आपका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इसको सोचने की जरूरी है. और इसीलिए मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ. मुर्दा इंसान की तरह मत जिंदा रहिए, जिंदा इंसान की तरह रहिए और अपने फ्यूचर को सोचिए. ये चार फोटो देखिए, इन्होंने सोचा था कि मैं 10 साल के बाद 15 साल के बाद इस लेवल पर जाऊंगा, तो उन्होंने वो पहुंच गए, क्योंकि सोचे बोले अपने फ्यूचर के बारे में. तो ये जब पहुंच सकते हैं सोच कर समझ कर, तो आप और हम अपने जिंदगी में एक टॉप लेवल पर नहीं पहुंच सकते. एक बार सोचने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, 10 मिनट चिंतन करिए, चिंता नहीं, चिंतन करिए अपने भविष्य के प्रति कि आप जिस ट्रैक में हैं 5 साल 10 साल के बाद कहाँ पहुँचेंगे.